नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीपीसीएस 2022 के जनरल स्टडीज के पेपर का फुल सॉल्यूशन। प्रश्न पहला है जिसमें पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थीं, तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थीं? वो थीं जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विद फ्रॉम द एंटी कास्ट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर टू जिसमें पूछा है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो वो है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वन एंड टू। वन एंड टू इज द राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें पूछा विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 136वां, 136th रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें पूछा है कि ये भवन है इनके निर्माण किसने करवाए थे? तो यहाँ पर है सुल्तान घड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था आपका इल्तुतमिश। फिर उसके बाद लाल महल का निर्माण बलबल ने करवाया था। जमात मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टिस ट्री इज द थ्रीट टू एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें दो आपके कथन दिए गए, एक अभिकथन है, एक कारण है, एक स्टेटमेंट और एक रीजन है। तो इसमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट रीजन दोनों सही हैं, और क्या वह रीजन आपके स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर पूछा गया 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। इन द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पर्सन बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ अवर कंसर्न एंड ड्यूटी। उसका रीजन है देर वॉज अ लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक टारगेट पेनिट्रेशन ऑपरेशन विच गेव इम्पेटस टू द इश्यू। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों सही हैं आपके, इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब आते हैं सेवन में, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो वो है आपकी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वुमेन या पीवी सिंधु इज द सैयद मोदी, मतलब पीवी सिंधु वो महिला थी जिन्होंने जो जनवरी 2022 में ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिला एकल का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर एट जिसमें पूछा ड्राई ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT क्या है? तो वो है आपका अजैविक अपघटनीय प्रदूषण, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा है 45वें ब्रिज विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है, दिस चैंपियन वाज हेल्ड इन इटली। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है। इंडियन टीम वॉन सिल्वर मेडल इन दिस गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर, बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो यह है आपकी हरियाली परियोजना, ग्रीनरी। ग्रीनरी इज द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण रक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वैन वाज द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1986 में इस एक्ट को लाया गया था, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया? राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स। तो वो था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, बाई द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। एक्सेंचर इज द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी ग्लोबली इन 2022 इट्स ब्रांड। TCS वैश्विक आईटी सेवा भेड़ों में 2022 में नंबर दो पायदान पर है। TCS ग्लोबली आईटी इन सर्विस शीप इन 2022 नंबर इट इज ऑन द सेकेंड पोजिशन। तो ये आपका दोनों सही है, इसमें वन एंड टू बोथ आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा है निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सुमेलित नहीं है? एक राज्य है और राज्य में कितनी विधानसभा की सदस्य संख्या है उसके बारे में बताया गया है। गोवा में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, उत्तराखंड में 70 हैं, लेकिन मणिपुर में 60 हैं।
तो यहाँ पे होएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा निम्नलिखित देशों को मानवाधिकार सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा हांगकांग, हांगकांग, इसके बाद आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आएगा जापान, फिर उसके बाद आएगा रूस। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6 जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो है आपकी महानदी। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। 17 में पूछा गया ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका सही आंसर है 17वां। 18वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ये आपका सही सुमेलित है इसमें सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है और ये गलत है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 19 नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो ये है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, खंबा तट, खंबा तट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तो एक खट्टे नासर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खट्टे नासर जो पादप रोग है वो जीवाणु के कारक होता है। फिर उसके बाद है गन्ने का लाल सड़न लोग कबक फुई के कारण, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण, गेहूं का साहू रोग कीट के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 21 का सी है। 22 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस होता है। आगरा एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट इन जनवरी द टेम्परेचर ऑफ आगरा इज 16 सेल्सियस एंड दैट ऑफ दार्जिलिंग इज 4 सेल्सियस। इसके बाद है आपका कारण, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वाला सही है और इसका जो कारण है वो भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 23 पे आते हैं जिसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, तो सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शक विक्ट्री द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। द वेट ऑफ दीज करेंसीज यूज टू बी अबाउट 33 ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही हैं। 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। 24 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी फॉर्म्ड फॉर टू और मोर स्टेट्स, तो वो कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए है कि संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है कि ये दिवस हैं और इन दिवस को कब मनाया जाता है, तो देखिए ये इसमें है पहले अप्रैल 18 अप्रैल को क्या होता है, तो वो है विश्व मिट्टी दिवस। उसके बाद है मई 22 को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को है आपका विश्व विरासत दिवस, तो आपका होगा क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सी। 26 अप्रैल 2022 में आयोजित होने वाले इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड मैच ओनली कंपटीशन 2022 के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से मिलाना, मतलब ये एक श्रेणियां हैं जिनमें किस किस शहर को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो देखिए यहाँ पर है संस्कृति, तो संस्कृति में इंदौर को रखा गया, इंदौर विजेता है। उसके बाद शासन में वडोदरा को
विजेता घोषित किया गया है। और सामाजिक पहलू में भोपाल है आपका, और इसके बाद मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सामाजिक पहलू में है आपका तिरुपति, सामाजिक पहलू में है तिरुपति, और इसके बाद नगरीय पर्यावरण में है आपका भोपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं 27 पे, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार और अदर एग्जाम्स में भी आ गया है, तो ये है कोचीन। ये कोचीन द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी ऑपरेटेड बाई द सोलर पावर इज द कोचीन। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा है, मार्च 2022 में प्यूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो वो थी कैरोलिना ब्लावस्का, कैरोलिना ब्लावस्का। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें एलबीएस के बारे में पूछा है, एलबीएस इट इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एलपीएस व्हाट इज़। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलबीएस की फुल फॉर्म क्या है, वो है लीडिंग बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, खाली खांसी का है, बूपिंग कफ। बेसिलस हीमोफिलस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, बूपिंग कफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं? चौआउ ल्होत्सो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चौआउ ल्होत्सो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था, बिल्कुल सही बात है। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित थी, दोनों ठीक है। बी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है कि दार्शनिक और उनके दर्शन के बारे में बताइए, तो यह है रामानुजम किससे संबंधित थे? तो रामानुजम संबंधित थे विशिष्ट द्वैत से, माध्वाचार्य संबंधित थे द्वैत से, निम्बार्क संबंधित थे द्वैताद्वैत से, और आपके बल्लवाचार्य संबंधित थे शुद्ध द्वैत से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है कि अभिकथन और कारक दिए गए हैं, निम्नेटिक क्षेत्र में पादक प्लवक अधिकता में है वृद्धि करते हैं, सही है ये। साइलो प्लैंकटॉन, हाँ ठीक है, एंड लेजर ठीक है, साइक्लोप्लेटन इज एवंडेंट इन लिम्नेटिक रीजन, लेट्स इंक्रीज लिम्नेटिक रीजन एन ओपन एरिया ऑफ वाटर, दोनों सही हैं आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 34 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें ये चार दिए गए, इनमें से पूछा है कौन सा सही है। पहला है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। सातवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है, पहले चीन था लेकिन अब भारत पहला बन गया है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। अब इसके बाद है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। अबाउट द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया कम्स अंडर इंडिया, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इससे बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट, कतरनिया घाट इज द करेक्ट आंसर, 36 का कतरनिया घाट इज द करेक्ट आंसर। 37 संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा है,
कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ इतिहास में घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में पूछा है कि कब कौन सी घटना हुई थी, तो उनका कालानुक्रम के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हुआ था आपका गदर पार्टी की स्थापना, फिर उसके बाद था आपका बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, फिर उसके बाद था केंद्रीय असेंबली में बम कांड, फिर उसके बाद था आपका चिटगांव शस्त्रागार में छापा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 38 का। 39, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को निम्न नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब इनमें पूछा गया है कि ये जो कुछ हुई थी क्रांतियां हुई थी देश में, उनको जनक किसको कहा गया है और किसने उनको लीड किया था। तो इसमें है आपका एम एस स्वामीनाथन, तो ये संबंधित है हरित क्रांति से। एम एस स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद है आपका एल के झा, आर्थिक प्रशासन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। फिर उसके बाद बर्गिज कुरियन, तो ये थे आपके दुग्ध उत्पादन से, और मोरारजी देसाई थे बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दो सुमेलित हैं, मतलब कौन से दो सही मिले हुए हैं उनके बारे में बताना है। तो ये है आपका कोरिया, एक जो जनजाति है वो उड़ीसा में पाई जाती है, और पालियान तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में एक अभिकथन दिया गया, एक उसका कारण दिया गया। विश्व में चिली तावे का प्रमुख उत्पादक है, और उत्तरी चिली एवं एंड्री क्षेत्र पेफरी तावा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये 41 का है आपका आंसर। ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो विश्व में चिली तावे का प्रमुख उत्पादक बिल्कुल सही है, उत्तरी चिली के एंड्री क्षेत्र में पेफिरो तावा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा है निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है, इस शोध के शोधार्थी कौन थे। तो इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। पॉवर्टी हैज बीन कंसिडर्ड अ सोशल प्रॉब्लम विच इज द रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च सर्वे ऑन पॉवर्टी इन लंडन, हु वर द रिसर्चर ऑफ दिस रिसर्च, चार्ल्स बूथ। ऑप्शन नंबर 33, इसमें पूछा निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद किया तथा उसका उसका नाम तुतीनामा रखा, वो थे आपके ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शी। हु अमोंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट सुख सप्तती कंपोज्ड बाय चिंतामणि भट्ट इन टू पर्शियन एंड नेम्ड इट तुतीनामा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 44वां प्रश्न है, इसमें ये कुछ योजनाएं हैं और वो कब शुरू करी गई थी उनके बारे में पूछा गया है। तो पहली आपकी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 2005 में शुरू करी गई थी। इसके बाद है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 1995 में शुरू गई थी। राष्ट्र स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जामनगर भारत। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज गोइंग टू सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब 46 में पूछा गया है आपका कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ऑलवेज इन फोटोकेमिकल हैज ओजोन। ओजोन इज द करेक्ट आंसर 46 का। उसके बाद है आपका लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थी, बिल्कुल सही है। सी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत हुआ था, बिल्कुल सही है। हिज फर्स्ट प्रोग्राम
ऑन द इंटरनेशनल स्टेज टू प्लेस एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल इन लंदन? तो 47 का आपका आंसर है बी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यह है आपका बसरा, बसरा इज द करेक्ट आंसर 48 का। 49 में आते हैं जिसमें पूछा नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अवकथन, ठीक है, कथन और उसका कथन और कारण वाला प्रश्न है। अब वो इसमें है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सही है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कर्नस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, बिल्कुल सही है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द मच नीडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं आपके खिलाड़ी सजन प्रकाश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा बांध नहीं है उसके बारे में पूछा गया, तो बदुआ उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें पूछा है ये एक एल्यूमिनियम संयंत्र है और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो मालको है वो चेन्नई में नहीं है, बाकी बाल्को कोरबा में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रेडिकुट में है, और इंडाल इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपका हीराकुंड में है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा 52 का ए। 53 ये कुछ राजनीतिक दल हैं उनकी स्थापना के बारे में पूछा गया कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो सबसे पहले स्थापना होती है आपकी तेलुगु देशमुख पार्टी की, फिर उसके बाद होती है बहुजन समाज पार्टी की, फिर उसके बाद आपकी है हाँ समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 53 का ऑप्शन नंबर ए है। 54 में आते हैं निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये अशोक के शिलालेखों से प्रश्न है, वो है आपका 12वां शिलालेख, 12th रॉक एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो वो करती है आपकी लोकलेखा समिति। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें पूछा गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो यह है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है कि ये केंद्र हैं और इनका क्या उद्योग है, उद्योग है तो उसके बारे में पूछा गया है। देखिए ओसाका जो देश है वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन के लिए फेमस है, क्यूबा आपका सिगार के लिए फेमस है, और डेट्राइट पोत निर्माण, पोत यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं उनके निर्माण के लिए फेमस है। तो आपका 57 का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 58 ये आपके SDG के गोल्स हैं उनके बारे में पूछा गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन कर सकते हैं, अगर किसी ने तैयारी करी है तो कर सकते हैं। 58 का तो इसमें है आपका SDG 10 है आपका असमानताओं की कमी, SDG 13 है आपका जलवायु परिवर्तन, SDG 14 है जल के नीचे जमीन, जल के नीचे जीवन, और SDG 15 है आपका भूमि पर जीवन। तो इसका होगा आपका 58 का क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 59। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया है, पहले कौन सी विजय थी फिर उसके बाद कौन सी थी इसके बारे में है। तो ये आपका होगा पहले थी उसकी गुजरात विजय, फिर उसके बाद थी रणथंबोर, फिर उसके बाद चित्तौड़, और फिर उसके बाद वारंगल। तो ये हुआ आपका सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण है तो 60 इसमें है ऊन, बूल। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? बूल।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो किन किन राज्यों में वनों में वृद्धि की गई है? अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इन द लास्ट 2 ईयर्स? तो ये आपके हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने वन क्षेत्र में वृद्धि करी है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित उगमों का कौन सा सही सुमन? गौतम बुद्ध नगर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए, अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद के लिए, लेकिन बागपत लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं है। बागपत गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपका आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है। नेचुरल आर्सेनिक पॉल्यूटेटेड वाटर इज अवेलेबल। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मुदगी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बोदरा का युद्ध। ठीक है, अब इसमें है आपका सबसे पहले होता है सकरखेड़ा का युद्ध, फिर उसके बाद होता है बोदारा का युद्ध, फिर उसके बाद है आपका पोर्टोनोवो का युद्ध, फिर है मुदकी का युद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? प्रति जीवाणु एंटी बैक्टीरियल। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ठीक है, तो आपका है ये हांगकांग। हांगकांग इसका 66 का सही आंसर होगा। 67, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टेशुल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? 1996 में किया गया था। बैन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1996। 1996। 68, सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? तो ये है आपकी मोहनजोदड़ो एवं लोथड़, लोथल। फ्रॉम विच एंशियंट साइड ऑफ इन इन दिस वैली सिविलाइजेशन पिक्चर्स ऑफ और मॉडल्स ऑफ बोट्स हैव बीन फाउंडेड? मोहनजोदड़ो एंड लोथल। 68 का। अब आते हैं हम 69 पे, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भैया समझिए, बायोमास आप समझ रहे होंगे तो कोला, काउडंग और वुड, ये बायोमास के सोर्स हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 70, क्वेश्चन 70 में पूछा म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है आपका खनिज तेल का। ए इज द राइट आंसर। पेगु योमा रीजन ऑफ द म्यांमार इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल? मिनरल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 71 इसमें पूछा निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। कार्बोरेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन? पेट्रोल इंजन। आपने देखा होगा कार्बोरेटर बाइक में होता है क्योंकि उसमें पेट्रोल इंजन होता है, लेकिन ट्रैक्टर और गाड़ियां जो डीजल से चलते हैं उसमें कार्बोरेटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 इसमें पूछा अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, प्रेसिडेंट बनी? तो ये है आपका समालिया सुहल, समालिया सुहल हसन। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? लोकटक। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? लोकटक। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए, इनमें से पूछा है कि कौन सा आपका ठीक है। तो यह भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत में आती, बिल्कुल सही है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष एवं फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, गलत है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, गलत है। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका पहला और चौथा। तो यहां पर होएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें पूछा वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक
प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल विंडो एंट्रेंस टेस्ट फॉर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द 22-23? तो ये है आपका CUET। तो यहाँ पर होएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो तो आप CUET के द्वारा ही लेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, उसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं होगा। CUET के द्वारा ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे, तो इसी के बारे में है। और इसको 2022-23 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अभिकथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, तो अभिकथन और कारण के बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए अभिकथन, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, तो ये आपका 76 का सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, गलत है। ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस, सही है। ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन इज होमोजेनियस थ्रू आउट, गलत है। 76 का बी इज द करेक्ट आंसर। 77, सूचियों को सूची दो सम्मिलित करना, सूचियों को कूट दिए गए हैं, ठीक है। अब ये विधानसभा और उनके अध्यक्षों के बारे में पूछा गया कि किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो 77 में पहला है रमेश तावड़कर, गोवा के हैं, बिल्कुल सही है। कुलतार सामंदन सांधवान पंजाब के, ठीक है। डी सत्यव्रत मणिपुर, ठीक है। रितु खंडारी उत्तराखंड, सही है। ये उस समय के थे जिसमें पेपर था, अब थोड़ा बदलाव हुआ लेकिन उस समय के हिसाब से हम करा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 78 में पूछा है टी माल्थस ने दी माल्थूशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित था जनसंख्या से संबंधित था। टी माल्थस प्रोपाउंडेड द फेमस थ्योरी कॉल्ड द माल्थूशियन थ्योरी विच इज रिलेटेड टू बाई पॉपुलेशन। 79 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड बाई, तो यह है आपका 24 अगस्त 1946 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आपका है ये अमरावती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपाज आर द फीचर ऑफ द आर्यन पिलर परफॉर्म फाउंड अमरावती। क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम विच सिटी ऑफ द इंडिया हैज द सेकेंड हाइएस्ट नॉइज पॉल्यूशन इन वर्ल्ड? मुरादाबाद। मुरादाबाद आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 16 सितंबर। 83, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु रिटर्न्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकरे? रविंद्रनाथ टैगोर। 83 का रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है 84 जिसमें पूछा गया सत्यशोधक समाज की संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज हुज प्राइमरी एम्फेसिस वाज ऑन सर्च ऑफ ट्रुथ? तो ये है आपकी ज्योतिबा फुले। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दूध सागर एक जलप्रपात है जो कि गोवा में अवस्थित है। बरकाना कर्नाटक में अवस्थित है। खंदाधार उड़ीसा में है और पलानी हिमाचल में है। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 86, किस उत्पादन को इको मार्ग दिया जाता है? विच प्रोडक्ट इज गिवन इको मार्ग? जो मिलावट विहीन हो, गलत है। जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, गलत है। जो पर्यावरण से मित्रत हो, भाई इको समझ रहे हो ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो तो उसी को तो इको मार्क दिया जाएगा। तो विच इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो उसको इको मार्क दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 87 है जिसमें पूछा निम्नलिखित युग्मों को ए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। तो ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेख बिल्कुल सही है, सर बर्मन ये गलत है, जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्णांक अभिलेख बिल्कुल सही है, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख ये भी सही है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 87 का, 88 जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। अच्छा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग्स, एकिडना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 89 जिसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना, ये अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं और उनके क्या सब्जेक्ट हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो थर्ड शेड्यूल किससे संबंधित है, इसकी एक शॉर्ट वो भी है एक याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पर होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 ही बर्ड हैं, तो उस बर्ड के मतलब से जो आता है वही होगा। तो यहाँ पर TEA, तो यहाँ पर तृतीय जो अनुसूची है उसका है संबंध शपथ, शपथ या प्रतिज्ञापन के रूप से, और उसके बाद है आपका चतुर्थ अनुसूची जो कि संबंधित है राज्य विधान परिषद में स्थानों के आवंटन से, और सातवीं अनुसूची संबंधित है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में, और आठवीं अनुसूची तो बहुत फेमस है भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद है 90वां, सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये व्यक्ति हैं और वो क्या उनके कार्य और क्या पद हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले हैं हमारे डी कार्वे, तो डी कार्वे जो हैं सचिव थे बिडो रिमोरिज एसोसिएशन के। उसके बाद हैं हमारे जे ई डी बैथुन, तो ये कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उससे संबंधित थे। फिर हैं ईश्वर चंद विद्यासागर जो कि कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बी एम मालावारी, ये बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ इन्होंने किया था। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, उत्तर प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही बात है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बिल्कुल सही है, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा डेवलप्ड है। उसका कारण यह है कि एक तो दिल्ली से लगा हुआ है, दूसरा ये भी है कि जब हरित क्रांति हुई थी तो उसका सबसे बड़ा जो लाभ था वो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही मिला था। तो हरित क्रांति के जरिए भी उस क्षेत्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक तथा दो दोनों सही हैं। अब 92 में है, नई दिल्ली किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, तो तीन मूर्ति भवन बड़ा फेमस है आजकल भी ये चल रहा है। तो विच फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ये कुछ समितियां हैं और इनको कब बनाया गया था तो उसके बारे में पूछा गया है। तो 93 ये है बलवंत राय मेहता को बनाया, स्थापना की गई थी 1977 में। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति 1986 में बनी थी, उसके बाद एल एम सिंघवी समिति 1957 में बनी थी, और ये पी के थुंगनू समिति 1988 में थी। तो यहाँ पर 93 में बी इसका सही होगा, 1 2 3 4। और 94 है पारिस्थितिकी निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका है उन यह उन स्थितियों की श्रेणियां श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट अ सोर्सेज यूज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन एन इकोसिस्टम कैन टॉलरेट। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर टू, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी सही है। ईच स्पेसीज हैज़ अ डिफरेंट लोकेशन। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही होंगे 94 के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब 95 पे आ जाते हैं, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाली जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। जयता एंड कुंपा हु इम्प्रेस्ड शेर शाह विद देयर ब्रेवरी बिलोंग टू विच प्लेस, तो ये थे मारवाड़ से, तो उन लोग मारवाड़ से संबंधित थे। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। Which religion group has the largest population of urban population in India? यह है आपका जैन, 96 का डी इज करेक्ट आंसर।
97। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। अब ये 3 राज्यों के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स अनाउंस्ड ऑन 10 अप्रैल 2022। तो ये है आपका गुजरात, केरल एंड पंजाब। गुजरात, केरल, पंजाब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है 98। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। भैया ये इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या, फिर उसके बाद थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, तो उसके हिसाब से अवस्थित करना है। तो यहाँ पर है आपका 98, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है कानपुर की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लखनऊ, जिसकी कानपुर से कम जनसंख्या है। फिर उसके बाद है आपका गाजियाबाद, फिर उसके बाद है आगरा। तो यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 99। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस ट्रेवल्ड बाई अ नासा एस्ट्रोनॉट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो यहाँ पर है आपके मार्क वेंड। 99 का सी इज द करेक्ट आंसर। 100। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है उसके बारे में। देखिए भैया, कंसिडर द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड अरेंज देम सिक्वेंसली एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा कि भारत का संविधान में भाग एक जिसमें कि संघ और उसका कार्यक्षेत्र है, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर उसके बाद है भाग 2 जिसमें कि नागरिकता आती है, और ये अनुच्छेद आपका 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक आपकी नागरिकता आती है। फिर उसके बाद है आपका मूल अधिकार 12 से 35 तक। तो ये आपका मूल अधिकार 12 से 35 तक है। फिर उसके बाद है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये 3 पे होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक हैं। ये जो कि 36 से 51 तक हैं। फिर उसके बाद है आपके मौलिक कर्तव्य। तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका भाग 4 यानी कि 4(1) के 51A में है। तो 51A में आपका मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका बनता है, पहले होएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा थर्ड, फिर उसके बाद होगा फोर्थ, फिर होगा सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये 101 है जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ये था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो हमारे भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए थे, क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे, तो उनको ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, उसके अंतर्गत भारतीय विद्यार्थियों को लाया गया था। यह है क्वेश्चन नंबर 102 जिसमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो वो आपकी आर्गन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है 103। 103 में पूछा गया है आपसे, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कुछ उसके युद्ध हैं और उनको हमें ऑर्डर में लगाना है। तो ये होगा आपका, पहले तो इसका था बनारस के पास सूजा की पराजय, ये पहले हुआ था। फिर उसके बाद धमरत में विजय हुई थी, फिर उसके बाद आपकी सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद देवराय की लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। 104 जिसमें पूछा, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो यह है आपका कर्नाटक। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम इन अप्रैल
2022 फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इज द सही आंसर। कर्नाटक सही आपका उत्तर है इसमें। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो यह है आपकी मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एटमोसफियर ऑफ सैटर्न, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर छः है जिसमें पूछा गया है काराकुरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द काराकुरम डेजर्ट इज लोकेटेड, तो यह है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 107 जिसमें पूछा है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो, तो यहां पर 107 होगा आपका एंडीज, एंडीज के काटने से डेंगू बुखार होता है। ये है इसमें ग्रंथ दिए गए हैं और ग्रंथों के रचनाकार कौन है उसके बारे में पूछा गया है 108 में, तो यहां पर है रागमाला, तो रागमाला को वैकंठ रमण थे रचनाकार। उसके बाद है रसकौमुदी, तो रसकौमुदी के थे श्रीकंठ, और उसके बाद है रग राग विभोद, तो उसके पुंडरीक थे पुंडरीक विट्ठल, और चतुर्दर्शी प्रकाशिका के सोमनाथ थे। तो यहाँ पर हमारा 108 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, सही आंसर है। और ये निम्नलिखित तो मतलब ये मात्राएं हैं और उसके एसआई मात्रक क्वांटिटी और उनके एसआई मात्रक पूछे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें से, तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, सही है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, सही है। और दबाव प्रेशर का पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्वेरी नहीं होता है, तो यहाँ पर 109 का ए सही आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि ये जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और किस राज्य में है, ये हमें मिलाना है कि ये जो 110 में जैव आरक्षित क्षेत्र हैं वो किन किन राज्यों में है उसके बारे में बताइए। तो ये जो मानस है वो पश्चिम बंगाल में है, तो ये होगा ए का 4। उसके बाद जो सुंदरबन है आई थिंक देयर इज सम गलत है, देखिए जो मानस है आपका वो असम में है, तो यहाँ पर ए का 3 होगा मानस। इसमें रबड़ ले देते हैं इरेजर, पेन, ठीक है। देखिए जो आपका मानस है वो है असम में, तो मानस होगा मैच असम से, ठीक है 3। उसके बाद जो आपका सुंदरवन है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरवन का 4 यानी कि बी का 4। फिर उसके बाद जो आपका नंदा देवी है वो उत्तर प्रदेश में है, और जो आपका पंचमणि है वो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद है 111 जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, तो अभी एक एसडीजी का प्रश्न और आया था उसमें एसडीजी के जो गोल्स थे उनके बारे में पूछा था। अब यह है कि जो गोल्स हैं अब इनमें से कौन सा गोल है जो नहीं है एसडीजी का, तो वो है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, बाकी गुणवत्ता परक शिक्षा है, लैंगिक समानता है, शून्य भूख है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 111 का ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 112 प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फेमस रूर कोल फील्ड लोकेटेड, तो ये है आपका जर्मनी, जर्मनी सही आंसर है। 113 जिसमें पूछा संपीडीय प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतया बनी होती है, तो ये है मीथेन से बनी होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज मेनली मेड अप ऑफ मीथेन। 114 जिसमें पूछा गया सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर हमें देना है, ठीक है। तो इसमें हमारा है प्रश्न प्रशांत महासागर, ये महासागर और अधिकतम गहरा मतलब उनका एक सबसे जो मेन गहराई वाला पॉइंट है उसके बारे में पूछा गया है। प्रशांत महासागर गया है मरियाना गर्त, पैसिफिक मरियाना ट्रेंच, फिर उसके बाद है आपका आर्कटिक, तो आर्कटिक का है आपका मोलाई गर्त, आर्कटिक का है मोलाई डीप,
फिर उसके बाद इंडियन का सूडा ट्रेंच, हिंद महासागर का है सुंडागर्द, और अंध अटलांटिक का है प्लूटो रिको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसके बाद है 115, जिसमें अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ये कुछ क्षेत्र हैं और उनकी मतलब वहाँ तक कितना आप शोर कर सकते हो, शोर का स्तर पूछा गया है। तो देखिए, सबसे कम शोर तो आवासीय में होता है और सबसे ज़्यादा होता है औद्योगिक में। तो आवासीय क्षेत्र में यहाँ सबसे कम 1.50 dB होगा बिल्कुल, और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी कि 4.70। आई थिंक देर इज एनी मिस्टेक, लेट मी चेक। ये है आपका आवासीय का होगा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक था। जो शांत क्षेत्र होता है वो होता है 1.50 dB का, और आवासीय क्षेत्र होता है 2.55 का। ठीक है, उसके बाद है आपका औद्योगिक क्षेत्र, वो होगा 4.70 dB का, और व्यापारिक क्षेत्र 3.65 dB का। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 116, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर 117, जिसमें पूछा है कि कुछ समाचार पत्र हैं उनके प्रकाशन स्थान क्या हैं, कहाँ से वो प्रकाशित होते थे? तो जो स्वदेश है आपका वो होता था गोरखपुर से, तो इसमें चार होगा। उसके बाद है आपका भारत बंधु होता था हाथरस से, और ऑप्शन ये है सत्यवादी होता था आगरा से, और शक्ति होता था आपका अल्मोड़ा से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 117 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 118, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको 2014 में प्रारंभ कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2014, और इसका उद्देश्य जो है भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर है दोनों सही, ए तथा बी दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 119, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 119 में है आपका पीएम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, बिल्कुल सही है। और इसके बाद है आपका पांचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, गलत है। तो यहाँ पर केवल एक आपका सही होगा, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। 120, जिसमें पूछा निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण रेबनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो 120 का है जी एस घुरिया। हु एमोंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट एलेबोरेटेड ऑन द आइडिया ऑफ रूरलाइजेशन रेबनाइजेशन? तो होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। 121 में पूछा है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, मतलब पॉल्यूशन फ्री। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग द गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट इन द ईयर 1985, तो मेकिंग इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 122 है, जिसमें पूछा है सूची एक को सूची दो से मिलाना है, देवता है और उनकी पहचान क्या? सीधा सीधा है, विष्णु भगवान की उंगली पर चक्र होता है, शिव भगवान त्रिशूल रखते हैं, गणेश जी रस्सी या फंदा है, सरस्वती मैया वीणा रखती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 122 का डी इज द करेक्ट आंसर, 122 का डी। ये 123 में सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ये ट्रेड यूनियन है और वो किस दल से संबंधित है इसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इसके बाद है आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस मार्क्सवादी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 123 का डी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा यूनाइटेड किंगडम पार्टी का गेट स्कैंडल क्या था? तो गेट स्कैंडल क्या था? तो ये है आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा COVID-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपना बर्थडे मना रहे थे, तो उसी के ऊपर यह है क्वेश्चन।
कि इट इज़ रिलेटेड टू द वायोलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। 125 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित है। तो ये एक प्रधानमंत्री की स्कीम है जिसमें प्रधानमंत्री जो हमारे फुटपाथ पर विक्रेता होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा अक्सर करके सड़कों पर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई चाट पकौड़े बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, तो वो फुटपाथ विक्रेता होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत कुछ लोन का एक अमाउंट दिया जाता है, 10,000 रुपये का अमाउंट दिया जाता है, वो उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए है, तो वो प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 126 जिसमें पूछा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह 3 देशों में विभाजित है, सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी, गलत है। केवल एक इसका सही है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज, सही है। दे आर ओरिजिनेटेड बाई वोल्केनिक डिपॉजिट्स, गलत है। 127 जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है, सही है। एस्प्राटोम संश्लेषण मधुरक है, सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, रेयन रूपांतरित स्टार्च नहीं है। नेपोरिन स्पेशल रबर, एस्प्रेटन एस्पार्टम ए सिंथेटिक स्वीटन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रियोन मॉडिफाइड स्टार्च, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा 127 का। 128 में पूछा गया है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो वो थे आपके यतीन्द्र नाथ, अजय घोष, फणेन्द्र नाथ घोष। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 129 में पूछा गया जनसांख्यिकी लाभांश है। तो जनसांख्यिकी के जो लाभांश हैं वो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 years। 130 ये पहाड़ी और पर्वत हैं और वो किस राज्य में स्थित है उसके बारे में पूछा गया। तो जो बटेश्वर पहाड़ी है वो बिहार में है, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। उसके बाद बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। उसके बाद है आपकी चीन श्रृंखला मणिपुर, धौसी पहाड़ी हरियाणा। सी इज द करेक्ट आंसर। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 59वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, बाई फोटोवोल्टाइक सेल्स। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने किया था हस्ताक्षर, सीधा सीधा पूछा गया है। तो ये थे हमारे असम में थोड़ा सा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच में हुआ था। 133 का सी सही आंसर है। 133 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों संस्थानों की रक्षा करना। 135 ये अधिकारी और उनके कार्यों के बारे में पूछा गया है। जो तलार है वो रात्रि में सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है, और पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है, और साहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है, और बलाधिपति चुंगी का संरक्षक होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 136 है उसमें पूछा गया है कि जो क्रांति हैं और वो किससे संबंधित हैं। ये गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से संबंधित है, ठीक है। और ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और काली और एक ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 136 का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। पेरू, पेरू एक ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। 137 का सी होगा। 38 में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। अर्थ एटमॉस्फियर इज मेनली हीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह है आपका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
139, जिसमें पूछा है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो यह है आपका नाभिकीय ऊर्जा। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सन? तो न्यूक्लियर एनर्जी इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उद्यान में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चीन। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022 विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड इन स्टील प्रोडक्शन? चीन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब लोकसभा चुनाव किस वर्ष में हुए थे उसके बारे में पूछा गया है। तो 13वीं लोकसभा 1999 में हुई थी, बिल्कुल सही है। 11वीं 96 में हुई थी और 9वीं 1989 में थी, लेकिन 7वीं 1982 में नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 142 जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इनमें से गुजरात चाय के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश जूट के लिए है, और इसके बाद है आपका केरल रबड़ के लिए नहीं है, असम गेहूं के लिए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। सी इसका थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो केरल है वो रबड़ के लिए सुमेलित है, क्योंकि असम गेहूं हो ही नहीं सकता ना, उत्तर प्रदेश में जूट कहाँ से आया, और गुजरात में चाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा मिस्टेक हुई है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जो केरल है वो रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। 143 में पूछा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता नाउन की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, वो कौन सा है? तो द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, विच वन ऑफ द करेक्ट? इनकम पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सी आपका सही होगा। 144 जिसमें अविकथन और उसका कारण दिया गया, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका 144 का डी सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 145 जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो वो 2021 मतलब 21 और 22 के में करी गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो वो हैं आपके शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए सही है। 147 उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। COVID-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक है, तो वो क्या है? यह है आपका संपूर्ण वायरस टीका, होल वायरस वैक्सीन। 149 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, तो ये ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड इन जुलाई अगस्त 2022। फिर उसके बाद है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी ठीक है। तो बी आपका सही है, एक और दो दोनों ठीक हैं। 150 केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड, तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो ये था आपका 2022 का जनरल स्टडीज़ का पेपर का फुल सॉल्यूशन। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आगे के लिए सुधार कर सकें।